एडवोकेट हूँ और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो जमीन हमें आज से 600 साल पहले मिली थी, जहाँ पर हमारी आस्था जुड़ी है, गुरु रविदास जी ने वहाँ पर बैठ के भजन सिमरन किया है और हम उस जगह को मानते हैं। जैसे इनके राम का महामंदिर है, इसी तरह हमारा भी एक आस्था का वो केंद्र है। 600 साल से ज़्यादा पुराना हमारा वहाँ पर कब्जा है। 1947 से वहाँ हमारी गरदौरी है। इस देश का कानून है कि जो आदमी 12 साल से ज़्यादा एक जगह पर कब्जा रहता है, वो आदमी उस जगह का बाई बी ऑफ एडवर्स पोजेशन या बाई बी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वो वहाँ का मालिक बन जाता है सिर्फ कब्जे की बदौलत। और हमारा 600 साल से ज़्यादा कब्जा है और वहाँ पे हमारे गुरुओं की आस्था जो के साथ जुड़ी है, वहाँ हमारे गुरु जी ने वहाँ बैठ के पूजा पाठ किया है और वहाँ पर वो रहे हैं। हमारे सिकंदर लोदी ने वो जगह जो है वो अलाट की हुई है, जो कि आज से 600 साल पुरानी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने मोदी सरकार के कहने पर ये हमला किया है और ये हम लोगों को दबाने की कोशिश है, ये दलित समाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है मनुवादी सरकारों के द्वारा। कभी ये गुरुद्वारों पे हमले करते हैं, कभी ये मस्जिदों पे हमले करते हैं और कभी ये गिरजाघरों पे हमले करते हैं और कभी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी डिमांड है कि जिस तरह से हमारे उस आस्था के केंद्र को गिराया गया है, उसी तरीके से हमारे उस आस्था के केंद्र को सरकार फिर से तैयार करके हमें एक भव्य मंदिर बनाकर वहां पर हमें बड़ी इज्जत के साथ वापस दे जगह। नहीं तो हम सड़कों पर आकर
जो भी इसमें इल्जाम होगा वो फिर भारत सरकार और मोदी सरकार भुगतेगी। हम जान की बाजी लगा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ सभी मूल निवासी जुड़े हैं, हम सभी एक हैं। दलित, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हम सभी आज इस धरने में शामिल हैं और सभी की एकता जो है वो 85% है। सिर्फ 15% के लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय 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 भीम। आज जो आपने जम्मू का पुल कभी बंद किया हुआ, इसके बारे में मैं विजय लोचन, प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट आर जे एंड के गुरु रविदास सभा का और चेयरमैन हूँ आर जे एंड के दलित महासभा का। आज का जो प्रोटेस्ट है रविदास समाज की तरफ से, ये रियासत जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में गुरु रविदास जी महाराज का जो मंत्र हटाया गया, उसको डिस्पेंडल किया गया, उसमें केजरीवाल सरकार की तो गलती है ही, लेकिन इसके साथ साथ मोदी सरकार की भी, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी बेसिस है वो सारे का सारा सेंटर के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो आस्था जुड़ी है, आज पूरा देश जो है वो बंद है इसी सिलसिले में, और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आपने रविदासिया समाज के साथ जो खिलवाड़ किया है, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है और इतना मैंडेट होने के बावजूद आपने ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कि लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब हैं उनसे ये मेरी पुरजोर अपील है कि वो केंद्र सरकार से रास्ता कायम करें और उनसे कहें कि फौरी तौर पर दिल्ली में जो मंदिर गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर है जो हटाया गया, उसे जल्द से जल्द बनाया जाए और हमारे सुपुर्द किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि आपको इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद आप लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ ना करें। रियासत जम्मू कश्मीर में जो सरकारें हैं पावर का नशा ज़्यादा देर नहीं रहता, और हम ये कहना चाहते हैं कि पावर जो होती है सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अच्छा काम करने से हमेशा लोग याद करते हैं। और आज का जो पुल बंद किया है, अगर ये मंदिर नहीं बनाया गया रियासत जम्मू कश्मीर में, जो रविदासिया समाज, बाकी दलित समाज के जो भी लोग हैं और भिन्न भिन्न समाज के लोगों का जो पार्टिसिपेट होगा और जो रियासत जम्मू कश्मीर में एक बड़े पैमाने में जो जिद्दोजहद की जाएगी। अमर रहे गुरु रविदास शक्ति, अमर रहे गुरु रविदास शक्ति।